नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोविना चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ एक क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो और उसका रिव्यू और उसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज मेरे पास है ICICI बैंक का सफेरो क्रेडिट कार्ड। ये एक प्रीमियम कार्ड है जो कि ICICI बैंक का आप बोल सकते हो टॉप एंड कार्ड है। तो इस कार्ड का कुछ डिटेल्स रिव्यू और कुछ डिटेल्स फीचर्स मैं आपको बताऊंगा और इसका अनबॉक्सिंग भी आपके सामने मैं करूंगा। तो चलिए पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको काटते हैं ऐसे। इसमें इस पैकेट में और कुछ नहीं है, कैसे रख दूँ यहाँ पे। इसमें आपको ये मिलेगा कार्ड कैसे यूज़ करते हैं, गाइड वगैरह कुछ, ये कुछ वैसे मिलेगा, ये काम का नहीं है कुछ। यहाँ पे रख देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको एक वाउचर मिलेगा, ये भी कुछ काम का, वैसे कुछ काम का तो है नहीं। और यहाँ पे आपको ये मिलेगा FAQs। तो ये है हमारा मेन कार्ड, ये रहा हमारा मेन कार्ड। और इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, अब ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए और कार्ड जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया हमारा दो कार्ड। एक्चुअली सफेरो कार्ड जो है वो ICICI बैंक का टॉप इन कार्ड है और वो एक अकाउंट के साथ दो कार्ड इशू करते हैं। तो आप अगर सफेरो कार्ड ले रही हो तो ICICI बैंक आपको दो कार्ड देगा, एक देगा मास्टर कार्ड, एक देगा MX कार्ड। तो ये मेरे पास दो कार्ड, एक मास्टर कार्ड एक MX कार्ड है। ये है मास्टर कार्ड, ये है MX कार्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया ऊपर, ये रह गया सफेरो मास्टर कार्ड, ये आ गया MX वेरिएंट का कार्ड। ये दो कार्ड में तो अब इस्तेमाल करने वाला हो। ये कार्ड जो है वो बहुत ही प्रीमियम कार्ड है, तो इस कार्ड को यूज करने से मजा ही कुछ और आएगा। तो चलिए इस कार्ड को पहले यहाँ पे रख देते हैं और इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं आपसे। दोस्तों, कार्ड ज्वाइन करने से ही आपको 10,000 का फ़ायदा होगा पहले ही। इस 10,000 में आपको वेलकम भाउचर मिलेगा, सुपर स्टॉप का 3,000 का भाउचर, क्रोमा का 1,000 का भाउचर और 1,000 का भाउचर 4 मिलेगा आपको एज माई ट्रिप का, 250 रुपये का भाउचर आपको मिलेगा उबर का और जोमेटो का 2 भाउचर मिलेगा 500 रुपीज़ का। तो कुल मिला के 10,000 हो गया। ज्वाइनिंग फीस का पेमेंट करने के 45 डेज के अंदर अंदर आपको ये वाउचर्स आपके एड्रेस पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपको इसमें 4 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेगा पर क्वार्टर, मतलब 3 महीने में आपको 4 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपको ड्रैगन पास मेंबरशिप इस कार्ड के साथ मिलेगा। उसमें क्या होगा कि आप 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस कर सकते हो पर ईयर और 2 स्पास सेशन डोमेस्टिक एयरपोर्ट में पर ईयर। दोस्तों, इस कार्ड के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ खेलने को मिलेगा। अगर आप 50,000 या फिर उसके ऊपर का स्पेंड करते हो प्रीवियस मंथ, तो नेक्स्ट मंथ 10 तारीख के अंदर आप गोल्फ ट्रिप्स वेबसाइट से गोल्फ खेलने के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट 2 महीने के लिए वैलिड रहेगा। और इस कार्ड के साथ आपको 1% का फ्यूल सरचार्जेस वेवर मिलेगा। हाँ, वो फ्यूल स्टेशन HP का होना चाहिए और फ्यूल स्टेशन में जो कार्ड का स्वाइप मशीन है वो भी ICICI बैंक का होना चाहिए, तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्जेस वेवर मिलेगा। हालांकि मैं आपको क्रेडिट कार्ड फ्यूल स्टेशन में यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैंने एक वीडियो बनाया है कहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ जगह ऐसा है कि अगर आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, तो आप वो वीडियो को देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं आपको जो फ्यूल स्टेशन है वहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने को नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, इस कार्ड के साथ आपको BookMyShow में 2 टिकट फ्री में मिलेगा। आप कोई इवेंट या फिर मूवी का टिकट बुक करते हो BookMyShow से और टिकट का प्राइस 500 या फिर उसके नीचे है, तो आपको वो 500 तक एक
टिकट आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर आप वैसे ही और एक बार करते हो तो और एक बार आपको फ्री में मिलेगा, मतलब टोटल 2 टिकट आपको बुक माई शो से फ्री में हर महीने मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, ICICI के टाई अप का जो रेस्टोरेंट्स है इंडिया में उसमें आपको 15% का डिस्काउंट हर वक्त मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, इस कार्ड के साथ आपको ईयर एक्सीडेंट कवरेज मिलता है जो कि 3 करोड़ है और बहुत ही ह्यूज अमाउंट है जो कि आपको फ्री में मिलेगा, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इस कार्ड का। दोस्तों इस कार्ड के साथ और भी कुछ इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलेगा, लॉस्ट पैकेज, फ्लाइट डिले और भी कुछ तरह तरह के इंश्योरेंस कवरेज आपको इस कार्ड के साथ मिल जाएगा। दोस्तों तो चलिए इस प्रीमियम कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप। दोस्तों ये एक प्रीमियम कार्ड है और इसका जो ज्वाइनिंग चार्जेस है वो भी थोड़ा सा हाई है। आपका ज्वाइनिंग चार्जेस जो देना है वो है 6500 प्लस 18% GST, तो 6500 का 18% होता है 1170 रुपया, तो टोटल आपको पे करना है ज्वाइनिंग के टाइम 7670 रुपया। तो ये पे करने से आपको लगेगा कि बहुत ही हाई है इसका चार्जेस, पर आप सोच के देखिए कि आपको 10,000 का भाउचर भी मिलेगा ये पेमेंट करने पर। जो सारे जो भाउचर आपको मिलेगा सोपरस्टॉप, उबेर, ओला, जोमैटो, इज माई ट्रिप, वो सारे आप यूज़ कर सकते हो ईजिली। तो इसका और जो चार्जेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ATM पे जाके कैश विड्रॉ करते हो तो आपको कैश विड्रॉल का 2.5% देना है और इसका मिनिमम आपको लगेगा 300 रुपया, और कैश विड्रॉल करने पर आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपको देना है 3.4% पर मंथ। और इसका जो चार्जेस है वो है ओवर स्पेंडिंग जो चार्जेस है, मतलब अगर आपका जो लिमिट है 1,00,000 का, आप 1,50,000 स्पेंड कर देते हो तो इनिशियली तो आपको वो कार्ड अलाउ करेगा कि आप स्पेंड करो क्योंकि ये एक मतलब प्रीमियम कार्ड है, पर इस कार्ड का जो आप ओवर लिमिट का जो स्पेंडिंग का जो चार्जेस है वो है 2.5% जितना भी एक्स्ट्रा होगा अमाउंट उसके ऊपर, और मिनिमम आपको 500 रुपया पेमेंट करना है इसके लिए। और जो चार्जेस है वो है मार्कअप चार्जेस, मतलब फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो आपको 3.5% का मार्कअप चार्जेस देना है, और जो चार्ज होगा उसके ऊपर 18% का GST भी आपको लगेगा। और दोस्तों सेकेंड ईयर का जो फीस है इसका वो है 3,500 प्लस 18% GST। हाँ, अगर आप 6,00,000 या फिर उसके ऊपर का स्पेंडिंग करते हो क्रेडिट कार्ड से तो आपका जो सेकेंड ईयर का फीस होगा वो वेव ऑफ हो जाएगा। दोस्तों चलिए इस कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ICICI बैंक और पेबैक पॉइंट्स का एक टाई अप है, तो आप इस कार्ड में जितना भी स्पेंड करोगे उसके लिए आपको पेबैक पॉइंट्स मिलेगा, और पेबैक पॉइंट्स को आप इजीली रिडीम कर सकते हो। ICICI बैंक के कस्टमर केयर जो है उसमें कॉल करके आप अगर बोलोगे कि आपको पेबैक पॉइंट्स रिडीम करना है आपके कार्ड के, तो वो लोग उसको कैश में कन्वर्ट करके आपके जो जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट होगा उसमें एडजस्ट कर देंगे। और एक पेबैक पॉइंट्स 25 पैसे के समान होता है, मतलब अगर आपने 4 पेबैक पॉइंट को रिडीम किया तो आपको 1 रुपया क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो जाएगा। और इसमें आपको जो पेबैक पॉइंट्स मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप MX कार्ड यूज़ करके पेमेंट करते हो तो फिर आपको 6 पेबैक पॉइंट्स पर 100 तक मिल सकता है, मतलब अगर आप डोमेस्टिक में स्पेंड करते हो तो 100 रुपया स्पेंड करने से 3 पेबैक पॉइंट्स मिलेगा, अगर आप इंटरनेशनल स्पेंड करते हो तो 100 स्पेंड करने से आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, मतलब पेबैक पॉइंट्स। और अगर आप यूटिलिटी बिल या फिर कोई भी इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो तो आपको 100 यूज़ करने पर आपको 1 पेबैक पॉइंट ही मिलेगा। और इसमें जो आपको मास्टर कार्ड मिलेगा उसमें भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप डोमेस्टिक में मास्टर कार्ड यूज़ करके पेमेंट करते हो तो 100 स्पेंड करने पर आपको 2 पेबैक पॉइंट्स, और इंटरनेशनल में 100 स्पेंड करने पर 4 पेबैक पॉइंट्स मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप MX ही यूज़ कीजिए, MX में आपको ज़्यादा पेबैक पॉइंट्स मिलता है। तो दोस्तों आप बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों ये ICICI बैंक का प्रीमियम कार्ड है, तो आपको जनरली ये कार्ड अप्रूव होने में मतलब थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही। अगर आपके पास लास्ट 3 साल का ITR फाइल है और इनकम 10,00,000 या फिर उससे ऊपर है तो आप बैंक पे जाके अप्लाई करो, आपको मिल सकता है एक कार्ड, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और अगर आपके पास ITR फाइल इतना ज़्यादा का है नहीं तो आप बैंक पे जाके जनरल कार्ड के लिए अप्लाई करो और कुछ दिन यूज़ करो, उसके बाद आपको बैंक की तरफ से ही ये कार्ड का अपडेट का ऑफ़र मिल ही जाएगा। मैं पिछले 3 साल से ICICI बैंक के रूबेक्स कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और अब जाके मुझे ये कार्ड का अपडेट ऑफ़र मिला था और मैंने ले लिया। अब तो मैं ये कार्ड यूज़ करने वाला हूँ, ये मेरा प्राइमरी कार्ड होने वाला है। ये कार्ड मतलब
बहुत ही प्रीमियम है और इसको यूज़ करने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मुझे नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आप कौन से क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और आपको वो कार्ड कैसा लगता है और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।